हेलो, दिस इज एन केमिस्ट्री एंड यू वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। अगर आपसे हम सेंटेंस पूछे, सृष्टि के कणकण में ईश्वर निवास करते हैं, या फिर गांव गांव बाढ़ में जलमग्न हो चुका है या फिर हो गया है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सेंटेंस कई प्रकार का होगा, जैसे घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर में, या फिर रोम रोम में, कणकण में। इस पर बहुत सारे सेंटेंस को हम बनाकर देखेंगे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। उसके बाद घर घर, घर का घर, गांव का गांव, शहर का शहर, दिन पर दिन और दुख पर दुख, इस पर कई सेंटेंस को क्रिएट करेंगे और हम आपको इसका इंग्लिश बताएंगे कि कैसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, इन सब के लिए इस तरह का सेंटेंस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका राइटिंग स्किल भी बेहतर होना चाहिए, स्पीकिंग स्किल भी बेहतर होना चाहिए। और इन सभी चीज़ों को आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए इन सभी को समझना, सीखना ज़रूरी है। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो जरूरी है इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। घर घर में शांति है, स्ट्रक्चर कैसा होगा? जैसे देर के साथ में इज या फिर आर का प्रयोग करेंगे। आप चाहें तो वाज एंड वर का प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस के अनुसार में। उसके बाद नाउन आएगा, और ये नाउन सिंगुलर प्लुरल दोनों हो सकता है सिचुएशन के अनुसार। और उसके बाद इन, इच एंड एवरी का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना है, जो आपको याद रखना है कि इच एंड एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन ही आना चाहिए, सिंगुलर नाउन ही लिखेंगे, प्लुरल नाउन नहीं होगा। इच एंड एवरी के बाद में आपको सिंगुलर नाउन ही लिखना पड़ेगा, ये बोलना होगा। अब देखेंगे घर घर में शांति है, तो पहले हम बनाएंगे कि शांति है, घर घर में शांति है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शांति है तो हम लिखेंगे देयर इज पीस। देयर इज पीस क्या है? शांति है। कहाँ है? तो घर घर में। तो घर घर के लिए, घर घर के लिए हमें क्या करना होगा, इन ईच एंड एवरी हाउस, मतलब ईच एंड एवरी हाउस के बाद में आपको सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना है। तो घर घर में शांति है, देयर इज पीस इन ईच एंड एवरी हाउस। स्ट्रक्चर वही रहेगा, सेंटेंस अलग देख लेते हैं। गांव गांव में बेरोजगारी की समस्या है, गांव गांव में बेरोजगारी की समस्या है, इसे कैसे बोलेंगे? तो पहले हम देखेंगे कि बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, तो देयर का प्रयोग से हम इसे बनाएंगे। देयर इज द क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या है। क्राइसिस मीन्स समस्या भी होता है और अभाव भी होता है। उसके बाद कहाँ? तो गांव गांव में। तो इन ईच एंड एवरी विलेज, इन ईच एंड एवरी विलेज, टोटल क्या हुआ, देर इज द क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन ईच एंड एवरी विलेज। और इस तरीके से बड़े सेंटेंस को भी, मतलब अगर सेंटेंस बड़ा भी है तो उसे आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप में वर्ड पावर भी होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर है बेरोजगारी की समस्या, तो आप इसके लिए क्या क्या लिख सकते हैं, क्या बेहतर होगा, क्या उचित होगा, ये जानना भी जरूरी होता है। यहाँ पर है कि शहर शहर में भ्रष्ट लोग बैठे हैं, बैठे हैं का मतलब है कि वहाँ रहते हैं, शहर में, प्रत्येक शहर में भ्रष्ट लोग भी रहते हैं, तो इसे कैसे बोलेंगे? हम देखेंगे पहले कि देखें, भ्रष्ट लोग बैठे हैं, तो बैठे हैं का मतलब ये नहीं कि कुर्सी पर बैठे हुए हैं, टेबल पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि वहाँ रहते हैं, वहाँ मौजूद हैं, वहाँ उनकी एग्जिस्टेंस है। और इसके लिए सिंपल तरीके से बात करेंगे, जैसे देर आर करप्ट पीपल, देर आर करप्ट पीपल, भ्रष्ट लोग बैठे हैं, ये भ्रष्ट लोग हैं, मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी है, लेकिन कहाँ पर? तो इन ईच एंड एवरी टाउन, इन ईच एंड एवरी सिटी, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इन ईच एंड एवरी टाउन, इन ईच एंड एवरी के बाद में वही सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना है। और उसी तरीके से चलते हैं, यहाँ पर मेरे रोम रोम में भगवान है, मेरे रोम रोम में भगवान है, और इसे आप इंग्लिश में कैसे करेंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि हम पहले देखते हैं कि देयर इज गॉड, भगवान है, कहाँ है? तो इन ईच एंड एवरी पोर, इन माय ईच एंड एवरी पोर, इन माय ईच एंड एवरी पोर, मींस रोम रोम में, प्रत्येक कण कण में, मेरे शरीर के अंग अंग में, हर जगह भगवान है। तो इस तरह से बोल सकते हैं, मेरे रोम रोम में भगवान है, तो देयर इज गॉड इन माई ईच एंड एवरी पोर, इस प्रकार से बोल सकते हैं। और इस पर कई सारे सेंटेंस को भी आप बना सकते हैं। और इसी तरीके से देख लेते हैं, सृष्टि के कण कण में ईश्वर निवास करते हैं, सृष्टि के कण कण में ईश्वर निवास करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि वर्ब है निवास करना, है निवास करना, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करके मेन वर्ब का यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे गॉड रिजाइड्स, गॉड रहते हैं, गॉड रहते हैं, ईश्वर रहते हैं, गॉड रिजाइड्स, कहाँ रहते हैं? इन ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड,
इन ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड, सृष्टि के कण कण में। अब यहाँ पर भी आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा, जैसे सृष्टि के कण कण में, अगर ये किसी भी सेंटेंस के साथ में बोलना हो सृष्टि के कण कण में, तो आप क्या बोलेंगे? इन ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड, इन ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड। अब इसे जुबान पर रखेंगे ताकि किसी तरीके का सेंटेंस आप क्रिएट करेंगे और इसमें अगर ये बोलना हो तो आप आसानी से बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो गया है, जैसे देखेंगे नाउन आफ्टर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज करना है जरूरत के अनुसार में। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें जानना है कि नाउन आफ्टर नाउन के बाद में अगर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है तो हमें ये देखना होगा, या फिर मेन वर्ब का यूज करना है तो ये देखना होगा कि हमें सिंगुलर वर्ब भी यूज करना है। सेंटेंस कैसा होगा? जैसे गाँव का गाँव बाढ़ में जलमग्न हो गया, मतलब गाँव का गाँव बाढ़ में डूब गया। तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो गांव का गांव, इसके लिए हम विलेज आफ्टर विलेज का प्रयोग करेंगे, विलेज आफ्टर विलेज। और जलमग्न हो गया तो हम क्या करेंगे? वाज इनंडेटेड, वाज इनंडेटेड, वाज इनंडेटेड। जलमग्न हो गया मतलब पानी से भर गया, पूरे गांव में बाढ़ आ गया, कई कई गांव में बाढ़ आ गया। तो इस तरह का सेंटेंस आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे और इसी स्ट्रक्चर पर आप बना सकते हैं। तो गांव का गांव के लिए विलेज आफ्टर विलेज, जलमग्न हो गया, वॉल इनंडेटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है घर का घर बाढ़ में बह गया, घर का घर बाढ़ में बह गया। कैसे बोलेंगे? तो हम घर का घर के लिए वी यहाँ पर हाउस आफ्टर हाउस, हाउस आफ्टर हाउस। और उसके बाद में हम बता चुके हैं कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे तो हम लिखेंगे वॉज, और बह गया तो फ्लडेड अवे, फ्लडेड अवे, फ्लडेड अवे। याद कर लेंगे कि बह जाना के लिए फ्लड अवे होता है, और यहाँ पर वर्ब थ्री का यूज करेंगे तो फ्लडेड अवे का यूज करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर देखेंगे, शहर का शहर प्रदूषित हो गया, शहर का शहर प्रदूषित हो गया। तो हम फिर क्या करेंगे? शहर का शहर, सिटी आफ्टर सिटी, उसके बाद प्रदूषित हो गया तो बीकेम पॉल्यूटेड, बीकेम पॉल्यूटेड। तो यहाँ पर क्या करना है कि हो गया तो याद करेंगे कि प्रदूषित हो गया, बीकेम पॉल्यूटेड, और शहर का शहर सिटी आफ्टर सिटी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है दिन पर दिन बीतता गया। मान लीजिए हम सेंटेंस बोलें कि दिन पर दिन बीतता चला गया, तो हम क्या करेंगे? हम दिन पर दिन के लिए लिखेंगे डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे। और बीतता गया कई तरीके से बोल सकते हैं, कई तरीके से बोल सकते हैं बीतता गया। तो हम क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू टू पास सभी बोल सकते हैं, लेकिन चलिए हम लिखते हैं रोल ऑन, डे आफ्टर डे रोल्ड ऑन, दिन पर दिन बीतता चला गया, समय कटते चला गया। उसी तरीके का सेंटेंस और है, जैसे दुख पर दुख आता रहा, दुख पर दुख आता रहा। हम क्या करेंगे? मिजरी आफ्टर मिजरी, दुख पर दुख, और आता रहा का मतलब है कि जारी रहा। तो यहाँ पर कम का यूज नहीं करके कंटिन्यू का यूज करेंगे, और पास्ट फॉर्म में कंटिन्यूड हो जाएगा। तो मिजरी आफ्टर मिजरी कंटिन्यूड, दुख पर दुख आता रहा। अब आज का सवाल देख लेते हैं। मैं चुनाव में घर का घर घूम चुका हूँ, मैं चुनाव में घर का घर घूम चुका हूँ, मतलब ये है कि घर घर घूम चुका हूँ, प्रत्येक घर में जा चुका हूँ। तो इस चीज़ को आप कैसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करेंगे, ज़रूरी है। तो मैं चुनाव में घर का घर घूम चुका हूँ, घर घर जा चुका हूँ, आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम देखेंगे कि आप अब इसमें क्या दिमाग लगाते हैं, इसे आप कैसे सही लिखते हैं। आपके आंसर को हम चेक करेंगे, बताएंगे कि आपका आंसर कितना सही है और गलत है। तो ज़रूरी है कि आप जवाब ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।